पोस्ट ने सोशल मीडिया यूजर्स को हंसने पर मजबूर कर दिया है। अपने पोस्ट से लोगों को हंसाने वाले मीमर भी दिल्ली पुलिस के इस पोस्ट को पढ़कर हंस रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको दिल्ली पुलिस के एक्स अकाउंट पर किए गए इस पोस्ट को दिखा देते हैं। अब स्पेशल केस नहीं है कि मरकर जिंदा हो जाएंगे, मतलब मीमर तो मीमर, अब तो दिल्ली पुलिस भी बहती गंगा में हाथ धो रही है। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है। दिल्ली पुलिस के इस पोस्ट को खूब देखा गया और शेयर भी किया जा रहा है। पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह के कमेंट करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, साथ में पूनम पांडे का भी नाम आना चाहिए था। वहीं एक अन्य यूजर का कहना है, ये कौन नया मीमर आ गया, अरे ये तो दिल्ली पुलिस का पेज है। तीसरे यूजर ने लिखा, ये दिन ब दिन मेरा पसंदीदा मीम पेज बनता जा रहा है। वहीं चौथे यूजर ने कहा, प्लीज पूनम पांडे के खिलाफ मामला दर्ज करें और कृपया अपना पेज एडमिन बदले। पूनम पांडे के मरने की झूठी खबर उन्हें कहां लेकर जाएगी ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि हो सकता है अब उन्हीं के फैंस उन्हें जेल का रास्ता दिखा दे या फिर उन्हें इस तरह से सर्वाइकल कैंसर के लिए जागरूकता फैलाने को स्वीकार करके माफ कर दिया जाए। लेकिन जो भी हो, अभी तो पूनम पांडे निशाने पर आ गई हैं और लोग उनको ट्रोल करके मजे लेने से पीछे नहीं हट रहे। वैसे पूनम पांडे का ये कोई पहला कारनामा नहीं है, वो ऐसे कारनामे करती रहती है, इसीलिए बॉलीवुड में उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन इस बार उन्होंने जो नाटक किया है उससे बॉलीवुड भी नाराज हो गया है। पूजा भट्ट, सारा अली खान, एली गोनी, राहुल वेद, राखी सावंत जैसी हस्तियों ने पूनम की इस हरकत पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। यही वजह है कि जब पूनम पांडे ने अपने मौत की खबर वाली अफवाह खत्म करने के लिए वीडियो जारी किया तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई सितारों ने शेम ऑन यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी निराशा दिखाई। बॉलीवुड के साथ पूनम के फैंस भी अब कह रहे हैं कि अब अगर सच में भी पूनम पांडे दुनिया से अलविदा होती है तो कोई उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आर्यन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।